तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम धन के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक धन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने धन के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमारे लिए बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मनी का, इसको हम इन्वेस्ट भी बोलते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने जो आपका फंड होगा, यहाँ पर वो आपका वो फंड दिखाई देगा। जो अवेलेबल फंड होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपका जो भी फ़ोटो होगा वो फ़ोटो दिखेगा। अब हमारे लिए यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बैंक्स का। तो हमारे लिए इस बैंक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। हम बैंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो करेंटली जो भी बैंक अभी ऐड है यहाँ पर, वो आपका बैंक यहाँ पर दिखाई देगा। आपकी जो UPI आपने यहाँ पर लिंक कर रखी है, UPI ID, तो आपकी UPI ID यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपके लिए अपने जो नया बैंक अकाउंट लिंक करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ऐड अ बैंक अकाउंट, तो यहाँ से आप न्यू बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखोगे कि वेरीफाई अकाउंट इंस्टेंटली वी UPI, यानी कि हम UPI के थ्रू अपना जो अकाउंट है उसको हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो IFSC कोड डालना है और अपना जो अकाउंट नंबर है, बैंक का अकाउंट नंबर, उसको यहाँ पर फिल करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और जो यहाँ पर जो बैंक का है, हम प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा IFSC कोड है, हम उस IFSC कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर क्लिक, जो अपना अकाउंट है उसको यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। बैंक अकाउंट को फिल करने के बाद सिंपल हम यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का डाला है, उस हमारे अकाउंट पर जो धन का मोबाइल एप्लीकेशन है वो हमारे बैंक अकाउंट पर ₹1 डिपॉजिट करेगा और जो हमारा अकाउंट है वो वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा। हम सिंपल प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर जो नया बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप धन के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं।